सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चहलो। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला गल करांगे अरविंद केजरीवाल की, जिन्हां दे वल्लों पंजाब दा दौरा किया गया है। केजरीवाल की रैली दे विच उन्हां दी मूँह बोली भैण भी पहुँच गई। पुलिस नूं भाजड़ां पै गईआं। बेरोजगार लाइनमैनां दे वल्लों कपड़े ला के दोवां मुख्यमंत्रियों के खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। पटियाला दे दुकानदारां दे वल्लों भी कालियां झंडियां दे नाल स्वागत किया गया दोवां मुख्यमंत्रियों का। इस रैली दे विच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वड्डे वड्डे दावे ठोके हन। रैली दे विच सरकारी बसां दीआं ड्यूटियां लगण तो बाद बस अड्डियां दे विच लोकां नूं समस्यावां दा सामना करना पै गया। श्री मुक्तसर साहिब दे विच खसखस दी खेती दी मंग नूं लै के रैली कीती गई है। राहुल गांधी भी अमृतसर पहुंचे हुए सन। सुखपाल खहरा दे मामले दे विच माण सरकार दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने, ओह किवें तुहानूं सारा कुछ दस्सांगे। पर सब तो पहलां शुरुआत अरविंद केजरीवाल तो करदे हां। 2 अक्तूबर वाले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर रहे। पटियाला दे विच माता कौशल्या हस्पताल दे विच उन्हां दे वल्लों एक ICU वार्ड का उद्घाटन किया गया, जिस तों बाद पटियाला दे विच एक वड्डी रैली अरविंद केजरीवाल दे वल्लों कीती गई, जिस दे विच वड्डी गिणती दे विच आम आदमी पार्टी के वर्कर मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर, मंत्री अते राज्यसभा के मैंबर भी इस मौके स्टेज दिखाई देते ने। इस रैली दे विच बोलदिया अरविंद केजरीवाल दे वल्लों पंजाब दे लोकां नूं इह गल आखी गई कि पंजाब बदल रहा है। पंजाब नूं लैके उन्होंने बहुत वड्डे वड्डे दावे किए हैं। अरविंद केजरीवाल कहिंदे ने पंजाब जिहड़ा कि पूरे भारत दे विच भ्रिष्टाचार लई जाणिया जांदा सी, हुण उसकी तूती बोलदी है पूरे भारत दे विच कि इत्थे बिल्कुल भ्रिष्टाचार नहीं चलता है। भ्रिष्टाचार नूं भगवंत मान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करदे। पहलां पंजाब दे विच पैसे तो बिना सरकारी दफ्तरां दे विच काम नहीं हुंदा सी, हुण पंजाब बदल गया है। पहलां पूरे भारत दे विच पंजाब नूं नशे दे तौर ते जाणिया जांदा सी, नशे ते फिल्मां वी बणदियां सन। हुण नशे दे खिलाफ भगवंत मान ने पंजाब पुलिस ने एक युद्ध छेड़ के रख दिता है। पहलां पंजाब बेरोजगारी दे नां ते जाणिया जांदा सी, पंजाबी मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां नहीं मिलदियां सन, पर भगवंत मान ने नौकरियां ही नौकरियां कर दित्तियां ने। पता नहीं इन्नियां नौकरियां कित्थों कढ लियाए ने भगवंत मान। रोज़ नियुक्ति पत्र ही वंडी जांदे ने। हुण तक 37,000 सरकारी नौकरियां भगवंत मान ने वंड दित्तियां ने। वेख लो, भगवंत मान तां नौकरियां ही नौकरियां करदे रहिंदे ने। रोज़ नियुक्ति पत्र वंडण दीआं खबरां सामने आउंदीआं ने। कानून व्यवस्था पंजाब दी बहुत खराब सी, 1.5 सालां दे विच असी कानून व्यवस्था पंजाब दी बहुत वधिया कर दित्ती है। इन्नी वधिया कर दित्ती है कि पूरे भारत दे विचों दूजे नंबर दी कानून व्यवस्था बन गई है पंजाब दी। जो कतलो गारत चोरियां लुट्टां खोहां पंजाब दे विच हुंदियां सन, वो कानून व्यवस्था ते बहुत वधिया तरीके नाल नकेल कसी गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों। पहला पंजाब दे विच निवेश नहीं आउंदा सी, 1.5 सालां दे विच इन्ना वधिया काम कीता भगवंत मान ने। पूरी दुनिया दे विचों, वख-वख देशां दे विचों पता नहीं कित्थों कित्थों पंजाब दे विच कंपनियां आई जांदियां ने। कोई नीदरलैंड तो, कोई हॉलैंड तो, कोई जर्मनी तो, सारे कहिंदे ने असीं तां पंजाब दे विच ही फैक्टरियां लाउणियां ने क्योंकि उत्थे मुख्य मंत्री बहुत वधिया है भगवंत मान। वेखो पूरी दुनिया दे विच गल फैल गई है कि भगवंत मान दी पंजाब सरकार बहुत वधिया है। निवेश ते निवेश आई जांदा है, 1,000 करोड़ दा निवेश पंजाब दे विच आ गया है। इसे करके ही साडी सरकार ने हुण पंजाब बदल दिता है। स्कूल असीं बदल रहे हां, अजिहे स्कूल असीं थोड़े समय दे विच ही बना देने ने कि प्राइवेट स्कूलों नूं किसे ने पुछना नहीं, किसे ने अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों दे विच नहीं पाउणे। 3 तों 4 सालां बाद किसी ने प्राइवेट हस्पताल दे विच इलाज करवाउण नहीं जाना क्योंकि असी पंजाब दे प्राइवेट हस्पतालां दे नालों पंजाब दे सरकारी हस्पताल इन्ने वधिया बना देने ने कि किसी ने प्राइवेट स्कूलों दे वल मूँह नहीं करना। दिल्ली दे विच कोई किन्ना भी वड्डा बंदा, कोई किन्ना भी अमीर बंदा क्यों ना होवे, प्राइवेट हस्पतालां दे विच नहीं जांदा। सारे सरकारी हस्पतालां दे विच जांदे ने क्योंकि उत्थे भी आप दी ही सरकार है। हुण पंजाब दे विच भी आपदी सरकार बन गई है। 3-4 सालां बाद वेखियो किसी ने प्राइवेट हस्पताल दे विच नहीं जाना है। तुहानू सरकारी दफ्तरां दे विच भी जाण दी लोड़ नहीं पैणी है क्योंकि असीं
होम डिलीवरी शुरू कर देनी है सरकारी सेवावां दी। सरकारी अफसर तुहाडे घर आया करनगे, तुसीं बस टैलीफोन करना, एक नंबर जारी कर देवांगे, उस नंबर ते तुसी बस फोन करना है ते दसना है काम केड़ा है। वो सरकारी अफसर तुहाडे घर आउणगे, कागजात लैके तुहाडे कोलो वो चले जाणगे, तुहाडा सर्टिफिकेट जां फिर तुसी जो भी बनवाउणा है वो बना के वापस तुहाडे घर आके तुहानू फड़ा के जाणगे। अजिहा काम असी पंजाब दे विच कर देना है। पंजाब दे विच सिख्या क्रांति भी शुरू हो गई है, सेहत क्रांति भी शुरू हो गई है, भ्रिष्टाचार का खात्मा भी शुरू हो गया है, नशे का खात्मा भी शुरू हो गया है, कानून व्यवस्था भी वधिया हो गई है। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों ए वड्डे वड्डे दावे इस रैली दे विच ठोके गए हन, अगे वधदे आ। जेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्लियों आके इन्ने वड्डे वड्डे दावे कर दिते तां पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान फिर पिछे किवें रहिंदे? हालांकि उन्हां दे वल्लों केजरीवाल तों पहलां भाषण दित्ता गया सी, पर उन्हां ने भी अपने भाषण दे विच बहुत वड्डे वड्डे दावे कीते। भगवंत मान ने आख्या विरोधियां दीआं गल्लां पंजाबीओ ना सुणिआ करो, उन्हां नूं पता नहीं लगदा कि की बोलना है ते की नहीं बोलना, मेरे खिलाफ एवें झूठियां सच्चियां गल्लां करते रहेंगे ने, तत्थ उन्होंने कोल होंगे नहीं, बस सोचते ने भगवंत मान के खिलाफ कुछ बोलना है, एवें ही बोली जाते हैं भावें वह झूठ ही होवे। एक मुद्दा उन्होंने लभदा है उसते सारे ही एक सुर हो के बोलन लग पैंदे ने, उन्हां ते यकीन ना करो, वह चंगे बंदे नहीं, तुसी साढ़े ते यकीन किया है करते रहे हो, साढ़े ते यकीन इस तरीके बनाई रखियो क्योंकि साड़ी नीयत माड़ी नहीं है, नीयत साड़ी है चंगी, असी हाँ चंगे बंदे, विरोधी पार्टियां दे लीडर हन माड़े बंदे, उन्हां ते तुसीं यकीन नहीं करना, साढ़े ते तुसीं यकीन करदे हो, मैनूं पता है क्योंकि जलंधर दी उप चोण होई सी, असीं फिर जित गए हाँ, इसका मतलब है कि तुहानूं साडे काम चंगे लगे ने, तुहानूं साडे ते यकीन भी है, साढ़े ते यकीन बना के रखियो पर विरोधियां ते यकीन ना करियो। भगवंत मान ने दावे इत्थे काफ़ी किए, जिवें कि पंजाब तरक्की वल वध रहा है, पिंडां दे मुंडे कुड़ियां नूं बसां लै के देवांगे सरकारी, उन्हां नूं फड़ावांगे बसां अते पिंडां दे परमिट देवांगे, 5-7 पिंडां दी एक बस उन्हां नूं दिया करांगे अते अपने कोलों पैसे खर्च के बसां देवांगे मुंडे कुड़ियां नूं, 3-4 मुंडे कुड़ियां रल के एक ग्रुप बनाउणगे, उन्हां नूं असीं एक बस खरीद के देवांगे, उह कम करनगे, पैसे कमा के सानूं बस दा जो रेट है जो उसकी कीमत है उन्हें पैसे वापस कर देंगे, असी कोई व्याज भी नहीं लेना है, असी इस तरीके नाल काम करन जा रहे हैं। पंजाब दे विच ये वड्डे वड्डे दावे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों इस मौके किए गए हैं। अगे वधदे हैं, जेकर अरविंद केजरीवाल पंजाब आए, मुख्यमंत्री भगवंत मान किते पहुँचे, उन्हां दा विरोध ना होवे ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सब तो पहला तो रैली दे विच ही विरोध हो गया, अरविंद केजरीवाल दी मूँह बोली भैन सिप्पी शर्मा नूं इस वार नज़रबंद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नहीं करवाया, घर दे विच गिरफ्तार नहीं करवाया, जिस करके सिप्पी शर्मा भी इस रैली दे विच पहुँच गए। सिप्पी शर्मा ज्यों ही पुलिस नूं पता लगा कि रैली दे विच कुर्सी ते बैठे हुए हन, उस वेले ही पंजाब पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं घेरा पा लिया गया। जिन्नी देर तक अरविंद केजरीवाल उत्थों भाषण दे के चले नहीं गए, उन्नी देर तक कुर्सी तो सिप्पी शर्मा नूं उठण नहीं दिता गया। यह दावा खुद सिप्पी शर्मा दे वल्लों कीता गया है। सिप्पी शर्मा ने जानकारी दित्ती कि मैं कुर्सियां दे विच जाके बैठ गई सी विचकार जहे, ज्यों ज्यों कुर्सियां खाली हुंदियां गईयां, अरविंद केजरीवाल बोल रहे सन कुर्सियां खाली होईयां गईयां, मैं अगे दी अगे चली गई अते VIP कुर्सियां तक मैं पहुंच गई सी, पर मैं चुप चपीते बैठी हुई सी क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल नूं मिलना चाहुंदी सी, जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे लाउणा मेरा कोई मकसद नहीं सी, पर इसकी भिणक लग गई पंजाब पुलिस नूं अते उस वेले ही पंजाब पुलिस दीआं महिला जो कॉन्स्टेबल हन मुलाजम हन उन्होंने उस वेले मैनूं घेरा पा लिया अते उत्थों मैनूं हिलण तक नहीं दिता गया। जिन्नी देर तक अरविंद केजरीवाल हवाई जहाज से चढ़ नहीं गए उन्नी देर तक उन्होंने मैनूं हिलण नहीं दिता, मैं तो अपने भरा नूं मिलण लई आई सी, भरा जी मैं भी हैगी हाँ, मेरे नाल जो वादा कीता सी ओ किथे है, मैं तां गल्लां ही करनियां सन, मैं कोई नारेबाजी नहीं करनी सी, हुल्लड़बाजी करनी हुंदी तां मैं रैली तों वी 3 घंटे पहलां पहुँच गई सी, इस दे बावजूद मैं कोई रौला नहीं पाया। जदों इन्हां ने मैनूं आके घेर लिया, मैं हत्थ कीता, भगवंत मान ने मेरे वल वेख्या, अरविंद केजरीवाल ने भी मेरे वल वेख लिया, पर उन्होंने मैनूं इग्नोर कर दिता, इंज दिखाया जिवें उन्होंने मैनूं वेख्या ना होवे। दसो मैं की करां, चोणां तों पहलां भैणां बणाउंदे ने बाद विच मूँह पराणू कर लैंदे ने, असीं किधर जाइए? अगे वधदे आ, खबरां सामने आईयां कि अरविंद केजरीवाल दी इस रैली दे लई भी
सरकारी बसां की ड्यूटी माण सरकार दे वल्लों ला दित्ती गई भी असी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमृतसर दे विच जो रैली हुई सी उस दे विच भी सरकारी बसां की ड्यूटी लाई गई सी अते सरकारी अध्यापकां दी भी अजिहियां मीडिया रिपोर्टां सामने आईयां सन। इस रैली नूं लैके खबर सामने आई कि 1300 दे करीब सरकारी बसां दी ड्यूटी ला दित्ती गई कि आम आदमी पार्टी दे वर्करां नूं लद लद के अरविंद केजरीवाल दी रैली तक ढोना है, उत्थे पहुंचाउणा है, भावें पन बस होवे भावें PRTC होवे, इन्हां बसां दी ड्यूटी ला दित्ती गई। जिस तों बाद वख-वख बस अड्डियां तों तस्वीरां सामने आईयां, लोक खज्जल खुआर होए। बठिंडा दे बस अड्डे तो तस्वीरां सामने आईयां, खास तौर ते बीबियां उडीकदियां रह गईयां कि सरकारी बसां आउणगियां अते सानू मुफ्त सफर करवाउणगियां, पर ना तां बसां आईयां अते ना ही मुफ्त बस सफर होया, प्राइवेट बसां दे विच ही बीबियां नूं भी सफर करना पै गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे अपने जिले संगरूर दे बस अड्डे तो भी तस्वीरां वेखण नूं मिलियां जिथे इक अद्धी बस जेकर वेखण नूं मिली सरकारी तां बीबियां उस नूं टुट के पै गईयां अते लोक मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ताने मिणे मारन लग पए कि करी की जांदे हो, तुसीं तां सियासत ही खेडी जांदे हो, लोकां बारे कुछ सोचदे नहीं, अपणियां रैलियां वास्ते लोकां नूं तंग क्यों करदे हो। लोकां दे वल्लों रज के भड़ास इस मौके कढ़ी गई। अगे वधदे आ, पटियाला दे विच बेरोजगार लाइनमैनां दे वल्लों टावर ते धरना लाया गया है। पिछले काफ़ी लंबे समय तो काफ़ी दिन हो गए ने क्योंकि वह पावरकॉम के दफ्तर के सामने धरना ला के बैठे सन, पुलिस ने कटापा चाढ़िया, उत्थों भजा दिता, समान सारा चुक लिया, वह भज के चढ़ गए टावर ते आते, उदों तो टावर ते ही चढ़े हुए ने। हुण जदों दो मुख्यमंत्री पटियाले पहुंचे तो इन्हां दे वल्लों कपड़े ला के अर्ध नग्न हो के रोस प्रदर्शन किया गया। दोवां मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक कहिंदे ने दावे बड़े करदे ने, भाषण बड़े दिंदे ने रैलियां दे विच, आ हो गया वो हो गया, असीं तां आ बैठे हाँ, असीं तां रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सार लैण नहीं आया, कोई पुछण नहीं आया कि चाहुंदे हो, कि मंग है तुहाड़ी, कोई पुछदा नहीं। अते रैलियां दे विच दावे करी जांदे ने कि पंजाब बदल रहा है, काफ़ी गुस्से दे विच बेरोजगार लाइनमैन दिखाई दिते ने। अगे वधदे हाँ, पटियाला दा जो पुराना बस अड्डा है उसके आस पास दियां जो दुकानां हन उन्हां दुकानदारां दे वल्लों भी कालियां झंडियां दे नाल इन्हां दोवां मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपनियां दुकानां बंद रखियां, दुकाना ते कालियां झंडियां लाइया। ये दुकानदार मंग कर रहे ने कि नवा बस अड्डा बन गया है, ठीक है, पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आख्या सी कि पुराना बस अड्डा बंद नहीं करांगा, इसके बावजूद बंद कर दिता है। सानू बंदा दसो किसने बंद किया है पुराना बस अड्डा? साडा मुख्यमंत्री तो कहिंदा है मैं बंद नहीं करना, फिर बंद कौन कर गया? खोल दे क्यों नहीं? खोलो, बसा आन जान, लोग आन जान, साड़ी भी रोजी रोटी चले। जो मुख्यमंत्री ने अपने मूहों ये गल कही है कि बस अड्डा बंद नहीं होवेगा, साढ़े सामने वो बंदा करो, सानू उसका नाम दसो ता जो असी उस तो पुछिए कि मुख्यमंत्री के कहण के बावजूद तू बस अड्डा बंद किवें किया है, सानू दसो तो सही, बस अड्डा खोलना चाहिए है। दुकानदारों के वालों इस मौके रोस प्रदर्शन किया गया है। अगे वधदे हैं, अरविंद केजरीवाल तो इलावा एक होर VVIP पंजाब पहुंचे हुए सन। कांग्रेस पार्टी के सबका राष्ट्रीय प्रधान राहुल गांधी अमृतसर पहुंचे, श्री दरबार साहब विखे उन्होंने वालों मत्था टेकया गया। श्री अकाल तख्त साहब विखे भी राहुल गांधी नतमस्तक हुए, गुरबाणी का इलाही कीर्तन भी उन्होंने वालों सरवण किया गया। उस तो बाद लंगर के बर्तन भांडे साफ करन दी सेवा भी उन्होंने वालों की गई। राहुल गांधी के वालों अपने इस दौरे को पूरी तरह निजी रखा गया। गुरजीत सिंह औजला संसद मैंबर ने अमृतसर तो उन्होंने हवाई अड्डे से रिसीव किया, स्वागत किया राहुल गांधी का। उस तो बाद औजला ने भी आख्या कि दौरा बिल्कुल निजी है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के वालों अपने लीडरों नूं यह अपील की गई कि दौरा निजी है, इस मौके राहुल गांधी के कोल आपां नहीं जाना, उन्होंने नहीं मिलना है, जेकर मिलना है तो उन्होंने फिर कित बुला लवेंगे। राहुल गांधी के वालों दरबार साहब विखे मत्था टेकया गया है। अगली खबर के वल वधदे हैं, कुछ समा पहला माण सरकार दे वल्लों पूरे पंजाब दे विच पिंडां दीआं पंचायतां नूं भंग कर दिता गया सी। मसला अदालत दे विच गया, सरपंचां ने अदालत दे विच केस पा दिता तां सरकार ने अपना फैसला वापस लै लिया। उस तो बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों पंचायत विभाग दे दो वड्डे अफसरां नूं हटा दिता गया, उन्हां नूं सस्पेंड कर दिता गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों DK तिवारी अते गुरप्रीत सिंह खहरा
उन्होंने एक डी के तिवारी हूँ मुड़ बहाल कर दिता गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के वलों पंचायत विभाग के वलों हूँ इस लैके भी कई तरह दिया चर्चावान चल पे कि गुरप्रीत सिंह खैरा भी मुड़ बहाल किया जा सकता है। विरोधी धिर के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान तो एक बार फिर तो जवाब मंग लिया है। बाजवा कहिंदे ने एक नूं बहाल कर दिता है, दूजे नूं भी बहाल तुसीं कर देना है। दसो फैसला लिया किसने सी, कौन जिम्मेवार है इस फैसले का, लिया किसने सी फैसला, वापस किसने लिया है। जिम्मेवारी तो सरकार की तय होनी चाहिए है, पता लगे कि फैसला हुंदा किसदा है, वापस कौन लैंदा है अते अधिकारियों दे ये कार्रवाई क्यों की गई सी, सारा कुछ स्पष्ट मुख्यमंत्री नूं करना चाहिए। प्रताप सिंह बाजवा ने यह गल आखी है। अगे वधदे आ सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी मामले दे विच मान सरकार दीआं मुश्किलां वध सकदीआं हन। कांग्रेस पार्टी का एक वफद गवर्नर नूं मिलिया सी, राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं मिलिया सी अते राजपाल नूं आखिया सी ध्यान दिओ तुसीं चंडीगढ़ के प्रशासक हो, जलालाबादी पुलिस आउंदी है चंडीगढ़ दे विचों एक बंदे नूं चुक के लै जांदी है, तुसीं की कर रहे हो, ध्यान नहीं है तुहाडा, तुहानूं पता है कि किवें गिरफ्तारी हुई है, गलत तरीके नाल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने शिकायत की सी अते हुण खबरां सामने आ रही ने कि राजपाल दे वल्लों DGP दे कोलों खैरा की गिरफ्तारी की फाइल मंग ली गई है, रिपोर्ट मंग ली गई है खैरा की गिरफ्तारी के मामले दे विच। जेकर कुछ भी इधर उधर पाया गया खैरा की गिरफ्तारी के मामले दे विच तां राजपाल दे वल्लों भी इस मसले दे विच एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि राजपाल अते मुख्यमंत्री भगवंत मान विचाले पहला ही खड़की पई है, खड़कदी रहिंदी है। अते जेकर खैरा की गिरफ्तारी मामले दे विच भी कुछ गलत पाया गया तां राजपाल एक बार फिर तो मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकते ने। अगली खबर दे वल वधदे आ, की तुसी कदे सुनिया है कोई घपला होया होवे, जिन्हां ते इल्जाम लगा होवे कि उन्होंने घपला किया है उन्हां दे वल्लों पैसे वापस कर दिते जाण, उह वी सरकारी तौर ते घपला होया होवे, अजिहा पंजाब दे विच हो गया है। ट्रिब्यून दी रिपोर्ट दे मुताबिक एक अमरूदां दे बाग दा घोटाला होया सी, जिस नूं लैके कहा जा रहा सी कि अफसरां ने गलत तरीके नाल उस बाग नूं लैके 137 करोड़ का मुआवजा सरकार तो लै लिया सी, उस नूं लैके मान सरकार दे वल्लों जांच की जा रही सी। अते हुण रिपोर्टां सामने आ रही ने कि जिन्हां ते ये इल्जाम लगे सन कि उन्होंने गलत तरीके नाल ये मुआवजा लिया है, उन्हां दे विचों कुछ ने वो मुआवजे दे पैसे वापस सरकारी खजाने दे विच जमा करवा दिते हन। 137 करोड़ का मुआवजा गलत तरीके नाल एक्वायर करन दीआं जो खबरां सामने आईआं सन, उन्हां दे विचों 106 लाभपात्रियां की पछाण विजिलेंस दे वल्लों की गई सी। 47 जणिआं नूं बागां दे मुआवजे दे वजों हासिल की 52.08 करोड़ की राशि सरकारी खजाने दे विच जमा कराने दे हुक्म अदालत ने दिते हन। उन्हां दे विचों 25 रसूखवाना दे वल्लों सरकारी खजाने दे विच 38.12 करोड़ रुपया जमा करवा दिता गया है, बाकी 22 जणिआं नूं भी 13.96 करोड़ की राशि खजाने दे विच जमा करवाउण लई आख दिता गया है, क्योंकि ये जो दोषी हन इन्हां ने जमानत की अर्जी लाई सी अदालत दे विच, अदालत ने आख्या जमानत बाद च दिंदे आ, पहलां पैसे जमा कराओ जिहड़ा मुआवजा लिया सी तुसीं गलत तरीके नाल। अते हुण हौली हौली करके सारिआं दे वल्लों मुआवजा वापस सरकारी खजाने दे विच जमा करवाया जा सकदा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पिट थापड़ी है, भगवंत मान कहिंदे ने कदे सुनिया सी ये कहावत सी कि गंगा गए फुल वापस नहीं मुड़दे, पंजाब च मुड़िया करनगे, मैं मुड़न ला दिते ने, वापस आए कि ना पैसे, बस इस तरीके नाल ही पंजाब दे खजाने नूं इन्हां घपले बाजां दे सिर तों ही असी भरना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों ये वड्डा दावा कीता गया है। अगे वधदे आ, गल खसखस की खेती की कर लें, पंजाब दे विच ये मंग उठती रहती है कि खसखस की खेती पंजाब दे विच होनी चाहिए है, डोडियां की खेती पंजाब दे विच होनी चाहिए है। हुण टीम इनसाफ दे वल्लों श्री मुक्तसर साहब दे विच खसखस की खेती की मंग नूं लैके एक रैली की गई है, जिस दे विच इन्हां जो मंग करन वाले ने उन्हां दे वल्लों मंग यह की गई है कि डोडियां की खेती मंगना साडा हक है। ये लोग कहिंदे ने कि लीडर आप तो खांदे ने अफीम, लोगों ने क्यों नहीं खान देंदे, आप ये सारे खांदे ने, लगभग 80% लीडर अफीम खांदे ने रोज़,
ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ? ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੋਸਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।